की ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को गुजरे हुए दो दिन बीत चुके हैं। बीते 7 जुलाई की सुबह 7:30 बजे मुंबई की पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। दिलीप कुमार के निधन से उनकी पत्नी सायरा बानो गहरे सदमे में डूबी हुई है, वहीं उनका पूरा परिवार भी अंदर से टूट चुका है। बता दें आपको कि इसी बीच दिलीप कुमार से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। हाल ही में दिलीप कुमार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, बेहद दर्द भरी है ये खबर और सभी की आंखों को नम कर देने वाली है। दरअसल जहां एक ओर दिलीप कुमार ने पूरे देश भर के लोगों को दीवाना किया, हिंदी सिनेमा जगत में कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्में दी और अब तक दिलीप कुमार लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, वहीं फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहा करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप कुमार का एक ऐसा फैन भी सामने आया है जो कि बीते लंबे समय से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर रख रहे थे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। जी हां, दिलीप कुमार बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आए दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था, लेकिन बीते 7 जुलाई के दिन दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें आपको कि हाल ही में दिलीप कुमार के एक फैन को लेकर खुलासा हुआ है। 56 साल के हैं शेरू। जी हाँ, दिलीप कुमार के फैन हैं शेरू, जो कि रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाने से वह जो कमाई करते हैं उन्हीं कमाई में से वह थोड़े थोड़े पैसे निकालकर 10,000 रुपये की सेविंग कर चुके थे। जब भी दिलीप कुमार के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आती थी, शेरू दिन रात उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगा करते थे। लेकिन शेरू को कहीं ना कहीं ये डर भी सताता था कि कहीं मुंबई से दिलीप कुमार को लेकर बुरी खबर सुनने को ना मिल जाए। लेकिन बीते बुधवार की सुबह ऐसा ही हुआ। हालांकि शेरू ने खुद को इसलिए भी तैयार कर रखा था कि जब भी कोई ऐसी बुरी खबर आएगी तो वह तुरंत हवाई जहाज से मुंबई जाकर दिलीप कुमार की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएंगे और उन्हें सुपुर्दे खाक करते वक्त अपने हाथों से मिट्टी देंगे। इसलिए शेरू ने 10,000 रुपये जमा कर रखे थे। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन में शेरू की आर्थिक हालत काफी तंग हो गई, परिवार की जरूरतें बढ़ गई और उन्हें वो 10,000 रुपये खर्च करने पड़े। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेरठ के राशिद नगर के रहने वाले हैं शेरू और आज उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है कि वह दिलीप कुमार की आखिरी विदाई में शामिल नहीं हो पाए, वह मुंबई नहीं पहुंच पाए। बता दें आपको कि शेरू की दीवानगी इस हद तक थी कि वह कई बार उनसे मिलने के लिए मुंबई गए। एक बार रिक्शा से उन्हें मिलने के लिए मेरठ से मुंबई तक का सफर तय करना पड़ा, क्योंकि वह अपने रिक्शे पर एक बार दिलीप कुमार को बिठाना चाहते थे और शेरू की उस मोहब्बत को देखकर दिलीप कुमार भी दीवाने हो गए। दिलीप कुमार ने उनके रिक्शे पर सवारी भी की। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे ये तस्वीर, दिलीप कुमार शेरू के रिक्शे पर बैठे हुए हैं तो वहीं सायरा बानो भी उनके साथ नजर आ रही है। ये प्यारी सी तस्वीर हर किसी की आंखों को नम कर रही है। बता दें आपको कि शेरू का कहना है कि जब भी दिलीप कुमार साहब उनसे मिले, बड़े अपनेपन के साथ मिलते थे। शेरू के मुताबिक ये भी सामने आया है कि उनके परिवार में 4 पीढ़ियां दिलीप कुमार साहब की अदाकारी, उनकी एक्टिंग की दीवाने हैं। पहले शेरू के दादा, फिर उनके पिता, फिर शेरू खुद और अब उनका बेटा भी दिलीप कुमार का फैन बन चुका था। शेरू खुद की अच्छी किस्मत मानते हैं कि उनके दादा और पिता को जिंदगी में कभी दिलीप कुमार से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह खुद कई बार उनसे मिले। शेरू का बेटा भी दिलीप कुमार से मिल चुका है। शेरू के मुताबिक सामने आया है कि कुछ अरसा पहले ये अफवाह फैली थी कि दिलीप कुमार दुनिया में नहीं रहे हैं तो उनका परिवार गहरे सदमे में डूब चुका था, लेकिन बाद में असलियत सामने आई। शेरू दिलीप कुमार को याद कर रहे हैं और वही उन्हें याद करते हुए शेरू ने एक तस्वीर दिखाई है और ये तस्वीर वही है जब दिलीप कुमार उनके रिक्शे पर सवारी किए। बता दें आपको कि वह पहली बार दिलीप कुमार से जब मुंबई मिलने पहुंचे थे और उस दौरान उनकी उम्र 84 साल थी। शेरू का कहना है कि रिक्शा को देखकर वह इतना खुश हो गए कि घर पर
खाना भी उन्होंने मुझे खिलाया। इतना ही नहीं, शेरू ने ये भी बताया कि उन्होंने सोच रखा था कि जब दिलीप साहब जिंदगी का शतक पूरा करेंगे तो वह फिर रिक्शा लेकर मुंबई जाकर उन्हें मुबारकबाद देंगे। लेकिन शेरू को अफसोस है कि उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। शेरू का बेटा शेर अहमद है, दिलीप कुमार का पिता जैसा ही बड़ा प्रशंसक है। शेर अहमद का कहना है कि पिता के आज मुंबई ना पहुंच पाने का अफसोस है, लेकिन वह जल्दी ही पिता को लेकर दिलीप कुमार की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जरूर जाएंगे। शेरू से जुड़ी ये खबर जो सामने आई है, यह हर किसी की आंखों को नम कर रही है। दिलीप कुमार से शेरू कई बार मिले, उनके साथ उन्होंने फोटो भी करवाया, तो वहीं दूसरी ही तरफ शेरू ने अपने रिक्शे पर उन्हें सवारी भी कराई। लेकिन आज शेरू भी गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंडरी स्टार दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और दिलीप कुमार के फैंस उन्हें काफ़ी याद कर रहे हैं। मेरठ के रहने वाले शेरू भी गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। मेरठ के रहने वाले शेरू के बारे में बात की जाए तो उनका असली नाम है शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद अंदर से बुरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दिलीप कुमार, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपने शानदार एक्टिंग के जरिए लोगों को दीवाना किया, बल्कि उन्होंने अपने बेहतरीन डायलॉग्स, अपने गुड लुक और अपनी प्यारी सी मुस्कान के जरिए भी लोगों के दिलों पर जमकर राज किया, लेकिन आज ये बेहतरीन स्टार हम सभी को रुलाकर जा चुका है। हमारे बीच उनकी यादें हैं जो जिंदा रह गई हैं और इन यादों को देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।